मुंबई में बैंक खाते से 4 मिनट में उड़ा दिए 75,000 रुपए, दूध वाले से हुआ फ्रॉड। अंधारे पर सिरसाट की टिप्पणी, सभी महिलाओं का अपमान, सुले। पुणे और मुंबई में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के नए केस, पिछले 4 हफ्ते में नए मरीजों की संख्या बढ़ी। महाराष्ट्र में संभाजीनगर पर दंगे पर बड़ा एक्शन, 500 लोगों पर FIR दर्ज, कई हिरासत में। 5 साल में 2 गुना हुआ बजट, मुंबई का अब तक का सबसे महंगा होगा वर्सोवा विरार सीलिंग। बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी ने हाईकोर्ट में दायर की PIL, अमित शाह ने की गवर्नर से बात। सिंधे गुट के 40 में से 28 विधायक टूटेंगे, संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई। नीता अंबानी, ईसा अंबानी ने मुंबई में खोला मुफ्त सांस्कृतिक केंद्र, पूजा और मंत्रों से किया गया केंद्र का उद्घाटन। महाराष्ट्र में मुंबई से गोवा कोंकण जाने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द खत्म होगा ट्रैफिक जाम। अजीत पवार ने कहा राजनीतिक दलों और नागरिकों को औरंगाबाद में शांति के लिए एकजुट प्रयास करना चाहिए। 1 अप्रैल से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा महंगा, बढ़ेगी टोल फीस। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आग से जलकर खाक हुई कार। अप लीडर राघव चड्ढा की दुल्हन बनेगी परिणीति चोपड़ा, सिंगर हार्डी संधू ने किया कंफर्म। तो ये तस्वीरें देखिए, ये मुंबई के बोरीवली कोर्ट जाने वाले रास्ते पर पुलिस उन 20 लोगों को लेकर जा रही है जो मलाड के मालवानी इलाके में रामनवमी की रैली पर पथराव किया था, जिन्होंने चप्पल फेंकने का आरोप जो है वो अभी उसकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन 20 लोगों को अरेस्ट किया है और 300 से ज़्यादा लोगों पर FIR दर्ज हुई है, जिनकी गिरफ्तारियाँ अभी होना बाकी है। तो मालवानी पुलिस इन 20 आरोपियों को लेकर जा रही, देखिए तस्वीरें किस तरीके से अपने चेहरे छुपा रहे हैं और किस तरीके से ये जो है वैन से उतर रहे हैं, पुलिस उनको सेफगार्ड कर रही है, इनके चेहरे नहीं आए क्योंकि पुलिस इनको सेफगार्ड कर रही है। कोर्ट परिसर की तस्वीरें हैं, कोर्ट के बाहर इनको लाया गया है और यहाँ से इनको कोर्ट में पेश किया गया है। अब आगे क्या होना है वो आपको हम अपडेट देंगे, आगे क्या कोर्ट ने कहा है, क्या कुछ अपडेट हम आपको बताएंगे, लेकिन प्राथमिक तौर पे ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मालवानी पुलिस ने इन 20 लोगों को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें बोरीवली कोर्ट लेकर पहुंची है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं सरकार येईल, त्याच वर्षी मुंबईमध्ये श्रीरामाची यात्रा काढील हा माझा तुम्हाला सांगायला पाहिजे। दबाव टाकून कोणी घाबरवून जर आम्हाला सांगत असेल की या गोष्टी करायच्या नाही, तर घाबरण्याची औलाद आम्ही नाही। श्रीरामाच्यासाठी प्रार्थना, लवकरात लवकर माझी सरकार येऊ, लवकरात लवकर मुंबईमध्ये मनसेतर्फे प्रभू श्रीरामाची सर्वात भव्य रॅली माझ्यातर्फे काढण्यात येईल।